नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में, जिसके चर्चे में पहले बहुत दिनों पहले, मतलब जब जब वीडियो स्टार्ट किए थे तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब से लेकर आज तक वीडियो नहीं बनाया। और क्योंकि मैं देखिए पेनी स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो तो बनाता हूँ और फिर भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है, तो मतलब कोई किसी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता। तो मैं आज बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी किया था, कमेंट भी किए थे कि सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि कंपनी अराउंड अराउंड देखा जाए तो अच्छा खासा गिरावट के बाद कंपनी अभी 5 रुपीज के आसपास आकर खड़ा हो गया। इसका प्राइस अभी 5 रुपया हो गया, तो मतलब एक पेनी स्टॉक हो गया। तो क्या इस पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो सब कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन में रखूंगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को नहीं जुड़ा है तो जाकर जुड़ जाइएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले कंपनी के नाम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है GTL लिमिटेड। तो GTL जो है वो देखा जाए तो एक टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के मतलब इसका सर्विसेज आप देखेंगे तो इन यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेलीकॉम के साथ ही काम है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर के साथ ही काम है। जैसे आप देखेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए जितने सारे टेलीकॉम्स के टावर्स होते हैं ना, तो उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए देखिए बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के माध्यम से काम करा लेते हैं। मान के चलिए आप कोई भी फ्लाईओवर होगा, तो फ्लाईओवर किसी प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, मगर छोटे से प्रोजेक्ट होने के कारण वो दूसरे कंपनी को टेंडर दे देते हैं कि आप कर लीजिएगा और मुझे आपको मैं पैसा दे दूंगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अगर इस कंपनी का सर्विसेज देखेंगे तो ये दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा। इनफर्स्ट मतलब इन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है यही दिखा रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी एक नेटवर्क सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का टोटल आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, और साथ ही साथ कंपनी मोर देन 20 कंट्रीज के साथ कंपनी काम करते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी छोटे मोटे है, कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के भी रखा है ग्लोबली मार्केट में। कंपनी का जो मेन बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में बात करूं तो आपको कुछ पॉइंट्स दिखेगा यहाँ पे, जो पॉइंट्स आपको बताएगा कंपनी क्या कर रहा है। देखिए GTL इज ए नेटवर्क सर्विसेज कंपनी, मतलब जो आप घर में बैठे इंटरनेट कर रहे हैं तो इस तरीके से नेटवर्क सर्विसेज कंपनी है, ऑफरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन टू एड्रेस द नेटवर्क लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर एंड टेलीकॉम प्रोवाइडर। जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर एंड प्रोवाइडर है तो उसको नेटवर्क सॉल्यूशन सर्विसेज देते हैं। देखिए जो घर बैठे आप नेटवर्क यूज करते हैं ना, तो मान के चलिए आपने किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नेटवर्क लिया, तो GTL भी एक नेटवर्क कनेक्शन माध्यम है जिसके माध्यम से भी आप घर बैठे इंटरनेट आपको मिल सकता है। तो कंपनी का आप देख सकते हैं जितने सारे टावर्स कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो उसके साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर, देखिए कंपनी का जो लीडिंग सेक्टर है टेलीकॉम ऑपरेटर, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड टावर कंपनीज, ये तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अभी रही बात कंपनी के फ्यूचर के बारे में, तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। पहली बात मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, यहाँ पे चार चार बार सोचना, चार चार बार। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कंपनी 100 करोड़ से भी नीचे है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, और जितना छोटा कंपनी उतना रिस्क। मैं आपको दिखाऊंगा, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कंपनी ऊपर रिक्सी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप रिक्स किस तरीके से है वो आपको दिखेगा, आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होल्ड मतलब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। करंट प्राइस जो है 5 रुपीज के आसपास है, मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी 14 रुपीज के आसपास इसका हाई किए थे और कंपनी अभी 5 रुपये मतलब लोअर सर्किट में ही कंटिन्यू कंपनी गिरते जा रहा है। कंपनी का देखिए बुक वैल्यू, जिस कंपनी का बुक वैल्यू 350-400 पॉइंट का माइनस है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको बार बार सोचना पड़ेगा। तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, अभी तक स्प्लिट नहीं करेगा, तो स्प्लिट करेगा तो प्राइस कहाँ पे जाएगा, तो इसलिए स्प्लिट नहीं किया। तो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो 40 है, मगर इसका पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है आपको खुद ही देखने को मिल रहा है। हाँ कंपनी ये बता रहा है कंपनी का एनुअल इनकम 450 करोड़ का है, चलो आपके बाद मान भी लेता हूँ कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, तो ये बात तो सही है कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखा।
तो उसके साथ कंपनी का कर्जा भी तो देख लीजिए, 6,000 करोड़ का कर्जा है। तो इसका मतलब यही बात हुआ, आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया और मतलब 100 सॉरी 1,000 1,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, और आपका मतलब जो उधारी है वो उधारी आपका 10,000 है। तो इसमें आप तो लोग देख के खुश हो जाएगा, आप डेली बेसिस 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं और डेली बेसिस आप 10,000 का कर्जा ले रहे हैं। तो रही बात आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, अल्टीमेटली क्या होगा, लॉसेस भी दिखेगा। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। डेप्ट के बारे में, डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 39 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 40 पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर, इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव, रिटर्न ऑफ एसेट नेगेटिव, तो हर पैरामीटर नेगेटिव में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो एक पॉइंट आप जरूर देखेंगे, कंपनी सेल्स का ग्रोथ बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लगातार लगातार खुद का सेल्स नेगेटिव में जा रहा है। देखिए प्रोजेक्ट ही कंपनी का नहीं ना मिले, कंपनी का बिजनेस अगर नहीं चले तो वहाँ पे रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट करेगा, और उल्टा कंपनी का क्या हो रहा है, एक्सपेंस भी हो रहा है। तो कंपनी का एक्सपेंस तो रुकेगा नहीं। देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका जो ऑफिसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीकॉम मतलब टेलीफोन का बिल है, सैलरीज है एम्प्लॉयज का, तो ये सब तो आपको हर मंथ देना ही पड़ेगा। आपका कंपनी में कुछ हो ना हो वो सब नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे भी उस तरीके से चीज देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस टैक्सेशन पे करने के बाद, देखिए टैक्स कितना ज्यादा है, तो टैक्सेशन पे करने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए कुछ खास नहीं है, तो नेगेटिव में है, बार बार नेगेटिव। तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट भी किए थे, सर कंपनी प्रॉफिट में है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कहाँ पे प्रॉफिट, ओ यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट, यही देखकर आपने बोला था शायद कि ये प्रॉफिट है। देखिए आप तो यही बता रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट किया, मगर जो लॉसेस किया, देखिए 2,000, 2,300, 800, इस तरीके से बड़े बड़े लॉस करने के बाद अगर 70-80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो इसको क्या प्रॉफिट बोलेंगे आप? क्या आपने 10-10 हज़ार का लॉसेस किया मतलब ट्रेडिंग करके, और आप एक दिन में 1,000 रुपये कमा लिया, क्या आपने प्रॉफिट कर लिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी तो सोचना चाहिए। तो कंपनी का देखिए CAGR परसेंटेज आपको लगातार नेगेटिव में से 3 साल में पॉजिटिव दिखा, क्योंकि 3 साल में तो दिखेगा ही, कोविड के बाद तो हर कोई कंपनी भाग रहा था, तो इसलिए इस कंपनी में भी तेजी दिखाया और अच्छा खासा रिटर्न मिला, और 1 साल में कंपनी का 57% के आसपास नेगेटिव दिखने को मिला। तो रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर कोई पैरामीटर सबको वीकनेस में दिखेगा। हाँ प्रॉफिट ग्रोथ में पॉजिटिव शायद है, फिर भी इस साल में नेगेटिव हो गया। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, जिस कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है तो मैं पहले बिगस उस कंपनी के ऊपर लगाना चाहूंगा, क्योंकि रिजर्व ही नहीं है, अगर कंपनी खतरे में पड़े तो कहाँ से देंगे? मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया और आपके पास लोन देने का पैसा ही नहीं है, आपका बिजनेस डूब गया, तो आपके पास अगर कोई अपने प्लॉट खरीद के रखा, कहीं जमीन खरीद के रखा, कहीं घर खरीद के रखा है, तो उसको बेचकर वो लोन चुका सकते हैं, तो आपके पास रिजर्व ही नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखता हूँ। रही बात बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, नहीं तो इस तरीके से वीडियो भी मैं आपको सामने नहीं लेके आता। हाँ जो पेनी स्टॉक में स्टेन दिखता है उसके ऊपर मैं वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, लॉन्ग टर्म के लिए उतना लोन नहीं है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, आपको शायद कैश में अच्छा खासा दिखे, तो जितना कंपनी के हाथ में पैसा प्रॉफिट में दिखा रहा है उतना ही पैसा हाथ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो इस अच्छी बात, एक बात अच्छी हो गया तो कंपनी के ऊपर बड़ा कुछ होगा ऐसे बिल्कुल मत सोचना। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा खासा है, FIs और DS के पास तो ना के बराबर होल्डिंग है। हाँ आप कहेंगे सर DS के पास तो होल्डिंग है, DS कौन है वो तो देख लीजिए, कौन, जो जो बैंक ने लोन दिया इसको वही बैंक इसका DS बन गया, क्योंकि उसको तो लोन तो चुकता नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो क्या कर दिया, उसका इक्विटीज ले लिया। तो इसलिए आप देख सकते हैं यूनियन बैंक गवर्नमेंट इसीलिए फंसते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ यहाँ पे है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, हर कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर मतलब पैसा बारिश के जैसे यहाँ पे देखने को मिला, मतलब पैसा का बारिश कर दिया इस कंपनी के ऊपर हर कोई गवर्नमेंट बैंक ने। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक का हालत क्यों खराब होते हैं, तो एक भी यहाँ पे कोई प्राइवेट बैंक नहीं दिखेगा जो बैंक ने यहाँ पे लोन दिया, हर कोई गवर्नमेंट बैंक ने इसको लोन दिया। तो इसलिए आप, मुझे यही कमेंट भी मिला था कि सर DS ने बहुत तगड़ा निवेश करके रखा, क्या मैं निवेश करूं? देखिए DS खुद फंस चुके हैं, उसको यहाँ पे निवेश करने के अलावा उसको हो रही नहीं, मतलब चल ही नहीं रहा है, वो अगर माल बेचना भी जाएंगे तो किसको बेचेंगे, बायर ही नहीं है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न, आप देखेंगे तो
तो अब लॉन्ग जर्नी देखेंगे तो कंपनी कहाँ से कहाँ पे आ गया, आप देख पहले वो देख लीजिए, मैं छोटा कर देता हूँ चार्ट पैटर्न को, तो वो आपको समझ में आएगा। देखिए कहाँ पे 486 था और आज कितना, 5 रुपया, तो अराउंड 500 से 5 हो गया। तो और बोलने का जरूरत नहीं इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। हाँ आप ट्रेडिंग के लिए कुछ प्लान बना रहा है वो अलग बात है, आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैं आपको मतलब एज ए देखिए, मैं आप चाहता नहीं हूँ कि मैं जिस तरीके से गलत स्टॉक उठाकर जब स्टॉक मार्केट में आया था गलत स्टॉक उठाकर लॉसेस किया हो, वो लॉसेस आपने भी आप भी करें। तो प्लीज इस तरीके से आपके पैसे को फालतू कंपनी में निवेश मत करके अच्छे कंपनी को निवेश जरूर करिएगा। देखिए फिर भी मैं जरूर कहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, जय हिंद।